कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, कुछ तो उनकी कॉमन क्वालिटीज या कुछ ऐसी आदत होती होंगी जो उन्होंने अपनाई होंगी, तो कुछ जरा उस हवाले से शेयर करते हैं आप तक, ऐसा है या ये कहते हैं कि किस्मत के बड़े गनी है, किस्मत के बड़े वो है? बिल्कुल, उसके कुछ ऐसी क्वालिटीज होती होंगी जिनमें से नंबर एक है विजन, कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके जहन में क्या चल रहा है। कुछ छोटे लोग छोटा काम करते हैं, बड़े लोग बड़ा काम करते हैं। मैंने पहले आपको अब्दुलरहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल दी, जब वो मदीना पहुंचे हिजरत के बाद तो मुआखात का अमल हुआ कि मेरे आधे पैसे आप ले लें, आधा बिजनेस आप ले लें। उन्होंने अपने अंसारी भाई से कहा कि मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा सारा कुछ, मुझे क्या करना है, मुझे बताओ मांग किस चीज़ की है, तलब किस चीज़ की है। उन्होंने बाजार की मालूमात ली, जाके बिजनेस स्टार्ट किया और दोबारा से अमीर तीन लोगों में शामिल हो गए। इसी तरह आज के जिन लोगों की बात करते हैं उनका भी देख ले तो उनका जो मकसद था, जो विजन था, वो छोटा नहीं, उनका विजन बड़ा था। नंबर एक तो ये है। नंबर दो देख लें कि लोगों से काम लेने का सलीका, पीपल स्किल्स। जब तक आप लोगों से काम नहीं ले पाते, आप अकेले जो है वो कहते हैं एक अकेला और एक और एक ग्यारह, जो सिनर्जी बनती है अब वो नहीं बना पाते। तीसरी चीज जिसकी ब्रेक में बात कर रहे थे वो है लॉ ऑफ गिविंग। शुरू में गजाली साहब ने बताया कि अल्लाह ताला के कानून कुछ मिसिंग है, तो जो अल्लाह ताला के कानून है उनमें से एक कानून जो है वो लॉ ऑफ गिविंग है। आप एक चीज देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि वो जब लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो जो फिजिक्स के तलबा है वो बड़े परेशान है कि यार न्यूटन के सर पे सेब ना गिरता तो मुसीबत ना पड़ती। पर एक कितनी कमाल की बात है कि न्यूटन बड़ा साइंसदान था, वो दरख्त के नीचे बैठा वो तो उसे सेब नीचे गिरता हुआ नजर आया, लेकिन दरख्त ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आया। कितना बड़ा फर्क है कि सेब नीचे गिरा वो इतना सा था, इतना बड़ा दरख्त ऊपर गया वो कैसे गया? वो है लॉ ऑफ गिविंग। जब आपने जमीन को दिया अल्लाह की राह में, मतलब जमीन में बीज बोया तो वो कितना बड़ा वापस आया। कुरान पाक में है कि वो एक बाली जो है कई बालियां, सत्तर या सौ या कितनी बालियां वापस आती हैं अल्लाह की राह में देने से। तो जो लॉ ऑफ गिविंग है उन्होंने देख लें कि चैरिटी के नेटवर्क्स हैं उनके, वो लोगों की खिदमत कैसे करते हैं, वो सारा कुछ कैसे करते हैं। तो आप देख लें कि विजन आपका, आपकी कमिटमेंट, आपके पीपल स्किल्स, आपका लॉ ऑफ गिविंग लोगों के राह में देना, और फिर प्रोफेशनल स्किल्स जिस मैदान में आप काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपका विजन के साथ आपके स्किल्स और आपकी कमिटमेंट का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें मिला के आपको सक्सेसफुल बनाती हैं, उस लेवल पर लेके जाती हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं।